तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के 76 साल बाद भी ये नारा सुनने में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अपने समय की सिविल सेवा परीक्षा में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद उन्होंने देश की सेवा के लिए ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अपने देशवासियों के बार बार याद दिलाया कि आज़ादी भीख मांगकर नहीं पा जा सकती, आज़ादी के लिए खून से लथपथ होना चाहिए। कुछ ही समय में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के लिए प्रमुख नेता के रूप में उभरे हुए आए। वो कोलकाता निगम के मेयर भी चुने गए थे, जिससे उनकी लगन और नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत का स्वतंत्र करने के लिए एकमात्र उद्देश्यों से जर्मनी गए हुए थे। वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के विरोध करने के लिए उन प्रमुख विश्व शक्ति के साथ सक्रिय रूप से गठबंधन की मांग की थी। अमर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भी एक राज है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनकी मृत्यु एक बीमा दुर्घटना में हो गई थी, पर कुछ लोग ऐसे नहीं मानते। सच तो ये है कि उनके जैसे क्रांतिकारी नेता कभी मर नहीं सकते। वो उनके काम से देशवासियों के दिल में हमेशा अमर रहेंगे। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।